हेलो फ्रेंड्स, दिव्या स्विंग में मैं मंजुषा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ये DIY सीज़र केस बनाने वाले हैं। DIY इसलिए क्योंकि स्क्रैप्स से बना रही हूँ मैं। ये जो छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े हमारे घर पर पड़े होते हैं तो उसका यूज़ करके हम ये सीज़र केस बना रहे हैं। तो ये ब्लाउज पीस के कुछ टुकड़े थे जो स्टिच नहीं करवाए थे मैंने, तो उसके टुकड़ों में से ये हमने बनाए आज। तो इसमें मैंने दो कलर्स लिए, एक प्लेन लिया है रेड कलर और एक प्रिंटेड लिया है। तो आप दोनों प्रिंटेड ले सकते हैं या दोनों प्लेन ले सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसे स्टिच कैसे करना है। तो आज का सीज़र केस बनाने के लिए मैंने ये दो ब्लाउज पीस का इस्तेमाल किया है, उसके टुकड़ों का। ये रेक्टेंगल पीस है दो, इसका मेजरमेंट बताती हूँ मैं। तो ये है 12 inch by 9.5 inch। ये 12 inch by 9.5 inch, 12 inch by 9.5 inch, तो दोनों भी सेम मेजरमेंट्स के हैं। इससे हम ये है सीज़र केस बनाने वाले हैं। और ये दोनों ब्लाउज पीसेस बहुत पतले हैं, ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसके लिए मैं अंदर से ये अस्तर मतलब लाइनिंग लगाने वाली हूँ। ये दो, ये भी इसी मेजरमेंट्स के हैं, 12 inch by 9.5 inch। तो अगर आप ये जो कपड़ा लगाने वाले हैं वो अगर रफ हो थोड़ा सा, जाड़ा थोड़ा सा, तो लाइनिंग नहीं लगाया तो भी चलेगा, लेकिन ये पतला इसलिए मैं ये अंदर से दो लाइनिंग लगा रही हूँ। तो हमें ये स्टिच कैसे करना है, ये जो दो हमारे पीसेस हैं उसकी राइट साइड जो है सीधी साइड, वो एक दूसरे की तरफ ऐसे रखनी है। ये अंदर से दोनों राइट साइड से ऐसे प्लेस करने हैं एक दूसरे के ऊपर। अब ऐसे रखने के बाद हमें ये चारों ओर से स्टिच कर लेना है, या थोड़ी सी जगह रखकर इसे सीधा करने के लिए। और स्टिच करने से पहले हम इस पर हमारे ये जो लाइनिंग के पीसेस है वो ऐसे रख देंगे। अब ये रॉन्ग साइड है, इसलिए जब हम ये सीधा करेंगे यहाँ से तो ये दोनों पीसेस अंदर की साइड चले जाएंगे। तो अब हम इसे स्टिच करके लेते हैं। अब इसे यही तक स्टिच करूंगी मैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस रखा था हमने सीधा करने के लिए। तो अब ये जो दो हमारे पीसेस हैं जो ऊपर की साइड में आने चाहिए हमारे, वहाँ से हम इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये केस हम सीधा कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने थोड़ा छोड़ा था स्पेस उसे इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे और एक बार फिर चारों ओर से सील देंगे। अब ये हम चारों ओर से स्टिच कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो थे हमारी 9.5 इंच की साइड, तो वहाँ से इसे ऐसे बीच में ऐसे फोल्ड करके इसे डायगोनली ऐसे रखना है, तो ये थोड़ा सा ओपन रह जाएगा। कैसे किया है हमने, ये जो हमारा मिडल था उसे ऐसे रख लेंगे, फिर इसे यहाँ से एक और बार फोल्ड करेंगे, और जहाँ से ये फोल्ड किया हमने वहाँ से उसे ऐसा एक और बार फोल्ड करेंगे। तो हमारा एक ये और एक ये ऐसे तीन कंपार्टमेंट इसमें बन जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे ऐसे स्टिच करना है
और यहाँ से ऐसे स्टिच करना है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिए ये हमने जो अंदर रखा था वो भी स्टिच में आना चाहिए। ये हमारा ऐसे ही स्टिच यहाँ से करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे से हमारा ये सीजर केस बन के रेडी है। अब सिर्फ हमें यहाँ से एक लूप लगाना है इसे हैंग करने के लिए। और अगर आप यहाँ बटन लगाएंगे तो हम इसे ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये क्लोज नहीं करना, सिर्फ हैंग करने के लिए मैं बना रही हूँ, इसलिए सिर्फ यहाँ पर एक लूप बना के हम इसे हैंग कर सकते हैं। तो इसमें इस कंपार्टमेंट में बड़ी सीजर, इसमें छोटी सीजर या और कुछ सामान हो, यहाँ कटर या थ्रेड वगैरह कुछ ऐसे हम रख सकते हैं। तो ये लूप बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, वो 6 इंच बाय 2 इंच का कपड़ा है। तो इसे मैं इसे फोल्ड कर लूँगी 2 बार और फिर यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। अब ये लूप हमें यहाँ पे लगाना है, तो ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर भी इसे थोड़ा सा फोल्ड करके हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो मेरी इसमें एक बड़ी सीजर आ गई है। अब यहाँ मैं दूसरी छोटी सीजर रखूँगी, तो ये सीजर और इसमें दूसरा कुछ सामान हम रख सकते हैं। सपोज मैंने ये ऐसे रख दिया, तो ऐसा हम अपना सामान इसमें रख सकते हैं। अब ये सीजर हम निकाल देते हैं, तो ऐसे हमारा ये सीजर केस बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।